और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से सभी उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए बढ़त बनाने का काम किया गया। विपक्षी पार्टियां अभी तक अपने उम्मीदवार ही तय नहीं कर पाई हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में 400 पार सीटें जीतने का काम बीजेपी करेगी, ये दावा सुभाष बराला ने किया है और हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भी जीत का दावा वो करते हुए नजर आए। देखिए, एक तो हमारी हरियाणा प्रदेश में सबसे अपने उम्मीदवारों की घोषणा करके और चुनावी रणनीति के एंगल से एक बढ़त बनाने का काम किया है। विपक्षी पार्टियां जहां अभी तक तय नहीं कर पाई कि कौन उम्मीदवार कहां से उनका चुनाव लड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषित होते ही अपने 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, 4 उम्मीदवार पार्टी ने और घोषित कर दिए, 10 के 10 घोषित हो गए हैं। और अब हमारी जो चुनाव प्रबंधन का काम है, वो जो हमारी टीम है, उस टीम के माध्यम से हम प्रदेश से लेकर के और बूथ तक के कार्यकर्ता का मोबिलाइजेशन, जनता के बीच में जाकर के अलग अलग तरीके के कार्यक्रम करके और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना, इस प्रकार के काम में